नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। आज वेमेंस डे के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे, क्या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन फीमेल्स को लेना चाहिए, क्या ये वाकई में इफेक्टिव होता है, और अगर लिया है तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, और किस एज ग्रुप की महिलाएँ इस वैक्सीनेशन को ले सकती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि किस एज ग्रुप की महिलाएँ ये वैक्सीनेशन ले सकती हैं। ये 9 साल से 14 साल की उम्र की जो महिलाएं होती हैं, यंग विमेंस होती हैं, जो अभी किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं है, तो इस एज ग्रुप की महिलाएं ये वैक्सीनेशन ले सकती हैं, और ये ही राइट टाइम होता है इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन को लेने का। इंडिया के अंदर हम कंसीडर करते हैं, अगर ये एज ग्रुप स्किप हो गया है तो आप 26 साल की उम्र तक ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं, और ये ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स में 3 डोज दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर 9 साल से 14 साल की उम्र में महिलाएं इस इंजेक्शन को लेती हैं जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का है, तो उनको 2 डोज ही काफ़ी हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक सुरक्षा प्रणाली सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट प्रोवाइड कराता है। मगर एक और ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि हम इंडिया के अंदर 45 साल या 46 साल तक की महिलाओं को भी HPV वैक्सीनेशन दिया जाता है, और ये सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर को भी कम करता है, मगर उतना इफेक्टिव नहीं होता है, मगर फिर भी इसका परसेंटेज यहाँ पर भी बहुत हाई है और महिलाओं को ये सुरक्षा देता है। सर्वाइकल कैंसर हमारे इंडिया के अंदर होने वाला महिलाओं में सबसे बड़ा दूसरा कैंसर होता है, जिसकी वजह से मृत्यु दर भी महिलाओं में सबसे ज़्यादा है इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से। अब ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, ये यूट्रस के माउथ को बोला जाता है सर्विक्स, और यहीं पर ही सर्वाइकल कैंसर बनता है, और अगर आप ये वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है करीब 95% से 99% तक। और 26 साल से ऊपर की महिलाएं लेती हैं, जैसे 45-46 साल की उम्र की महिलाएं इस वैक्सीनेशन को लेती हैं, तो उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है 60-70%। ये रेशियो भी बहुत अच्छा है एज पर डेटा। तो दोस्तों, अगर आप महिलाओं को, हमारे घर में जो छोटी महिलाएं हैं, यंग विमेंस हैं, अगर हम उनको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से वैक्सीनेट कराते हैं, तो हम उनकी बहुत बड़ी फ्यूचर में हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ये जो सबसे बड़ा दूसरा कैंसर का कारण है सर्वाइकल कैंसर, उससे अपने घर की महिलाओं को, अपनी सोसाइटी की महिलाओं को हम बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल ग्लोबली बात करूँ तो ये वर्ल्ड में 4th सबसे बड़ा कैंसर है जो महिलाओं को होता है, सर्वाइकल कैंसर। और ग्लोबली देखा जाए सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं में जो मृत्यु दर है वो भी 4th स्थान पर है। तो यहाँ पर बात हो गई कि वैक्सीनेशन किस एज ग्रुप की महिलाएं ले सकती हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे आपने जान लिए हैं और किस एज ग्रुप की महिलाएँ ले सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे तो ये अपर आर्म में ये इंजेक्शन लगाया जाता है, और इसके लगाने के बाद हो सकता है जहाँ पर इंजेक्शन लगाए वहाँ पर थोड़ा बहुत पेन फील हो, या वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रेडनेस आ जाए या इचिंग हो, इससे ज़्यादा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये टोटली सेफ है और बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस फीमेल में बन रही पेपिलोमा वायरस एंटीबॉडीज़ को ख़त्म करता है। अगर महिलाएं प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं अपनी, और अपने पैप स्मेयर टेस्ट हर 6 महीने में या साल में एक बार कराएं, तो भी इस सर्वाइकल कैंसर की परेशानी को अवॉइड किया जा सकता है। महिलाओं की बॉडी के अंदर जो पेपिलोमा वायरस एंटीबॉडीज़ होती हैं, यही सबसे बड़ा कैंसर का कारण होती है, और ये वैक्सीनेशन इसको ख़त्म कर देता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन हमारे हॉस्पिटल्स में ईजिली अवेलेबल होता है, और ये हॉस्पिटल में जाकर के इसके डोज लगवाए जा सकते हैं। तो महिलाओं को यहाँ पर अवेयर होने की ज़रूरत है, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए ये अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।